Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is lecture number 3rd, especially for the examination of Kashmir University Junior Assistant. But it is very much important for other examinations as well. This topic is from economy component and it is written in the previous syllabus. ये जो topic है ये बहुत ही ज़्यादा important topic है. अगर आप बाकी competitive exams की बात करेंगे, SSC, JKS, JKSSB, UPSC, हर एक exam में आप देखेंगे यहाँ से questions आए हैं और आ रहे हैं. सो दैट्स वाई मैंने ये वाले टॉपिक्स चूज़ किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोर होते हैं हर एक एग्जामिनेशन के सिलेबस में, राइट. सो इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन होती क्या है, कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, इसके कितने टाइप्स है, कॉज क्या है इन्फ्लेशन होने का और उसके असरात क्या होते हैं. आपने इससे पहले भी ये टॉपिक पढ़ा होगा लेकिन हम आज बिल्कुल मैं इसको आपको मैं ये लेमन टर्मिनोलॉजी में पढ़ाऊंगी. लेमन टर्मिनोलॉजी मतलब होता है जैसे एक आम इंसान होता है, कोई घर में बैठा इंसान है, उसको समझाऊंगी मैं इन्फ्लेशन क्या होती है. तो उस हिसाब से आप इसको जो है समझना, क्योंकि जो इंडियन इकॉनमी है बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगती है. लेकिन बेसिकली इंडियन इकॉनमी जो है, अगर आप किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे कि आप घर में हैं, आपको घर के लिए चावल लाना ज़रूरी है ना, आटा लाना ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ें हैं. हर एक बच्चा, हर एक जो है एस्पिरेंट है, वो देखता है कि हम घर के लिए चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, चीनी लाते हैं, गैस लाते हैं, कुकिंग गैस लाते हैं. तो अगर आप वो प्रोसेस समझेंगे ना कि हम आटा लाते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो पैसे आते कहाँ हैं और वो पैसे जाते कहाँ हैं, आटा कहाँ से आता है, अगर आप सिर्फ एक चीज़ की प्रोसेस देखेंगे ना और उस प्रोसेस को समझेंगे, चाहे वो चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, या चाहे कुकिंग गैस हो या कपड़े हो, अगर आप सिर्फ एक चीज़, अगर आप कपड़े पे ये देखेंगे कि ये आया कहाँ से, बना कैसे, हमने ख़रीदा कैसे, वो पैसे आए कहाँ से, उस दुकानदार ने पैसे कहाँ रखे, कहाँ से लाए, अगर आप इस प्रोसेस को समझेंगे आपका पूरा इकॉनमी उससे क्लियर हो जाएगा. तो हमेशा जब भी आप इकॉनमी पढ़ोगे ना, तो आप एक जैसे फार्मर होता है ना, एक ज़मींदार जो होता है, किसान जो होता है, एक किसान के एंगल से आप समझो इकॉनमी को, क्योंकि उससे क्या होता है, बेस्ट वे है टू स्टडी, टू रीड दीज कॉन्सेप्ट्स, तो टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बाकी जिसने आज से पहले जो मैंने दो लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैं इन डिटेल डिस्कशन किया है उस टॉपिक्स का, जिसने वो नहीं देखे वो हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वो चेक कर लेना, वो देख लेना. बड़े बड़े लेक्चर्स है वो, लेकिन वो इन डिटेल कवर किए हमने. तो आज का जो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है ये भी अच्छे से समझेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, है ना. तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चलिए देखते हैं. देखो एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो अगर हमें कोई 10 रुपये देता था, है ना, ₹10, तो सबको पता है अगर हमें कोई 10 रुपये देता था जब हम स्कूल जाते थे, क्योंकि जो भी यहाँ पे बच्चे होते हैं, जो भी अभी पढ़ रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती, तो जब हमें बचपन में 10 रुपये दिए जाते थे तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि हम उस 10 रुपये में 2 बिस्किट पैक्स ले सकते थे, हम उस 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें ले सकते थे, छोटी छोटी कैंडीज़ ले सकते थे. लेकिन अगर आप देखोगे आज के बच्चे को, अगर आप 10 रुपये दोगे, उसको वो 10 रुपये कुछ लगेंगे ही नहीं. आपको क्या लगता है, आज एक बच्चे को आप 10 रुपये दोगे तो उसको कोई खुशी होगी, उतनी सारी खुशी होगी जितनी हमें होती थी? नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो बच्चा 10 रुपये का करेगा क्या? उसको एक चिप्स का पैक जो है वो भी 20 रुपीज़ में मिलता है, राइट. उसको जो चॉकलेट है वो भी 50 रुपीज़ में मिलता है, राइट. तो अगर वो चॉकलेट लेना भी चाहेगा वो इतना सा होगा. अगर 10 रुपये में उस टाइम हम चॉकलेट लेते वो इतना बड़ा होता था, राइट. तो ये है क्या, बेसिकली हुआ क्या है, यही होती है इन्फ्लेशन, यही होती है इन्फ्लेशन. क्योंकि जो 10 रुपये का वैल्यू हमारे बचपन में था वो वैल्यू अब उसका नहीं रहा है, राइट. उसका वैल्यू ही घट गया है क्योंकि चीज़ें जो है ना वो बहुत महंगी हो गई है. 10 रुपये में जो चीज़ आती थी ना, आज वही चीज़ 50 में आती है, राइट. जब हम छोटे थे उस टाइम जो मीट 1 kg होता था या राइस 1 kg होता था, वो अगर राइस 10 रुपये में आता था kg, आज 50 रुपीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप 50 रुपीज़ में kg है. तो ये जो चेंज हुआ है ना, इंक्रीज़ हुआ है प्राइस, सिर्फ एक चीज़ में नहीं. देखो जब प्राइस इंक्रीज़ होता है, जनरल प्राइस इंक्रीज़ होता है, आटे में भी इंक्रीज़ होगा, चीनी में भी इंक्रीज़ होगा, चावल में भी इंक्रीज़ होगा, कुकिंग गैस में भी, कपड़े में भी, जब प्राइस राइज होता है, जब महंगाई होती है हर एक चीज़ में, एक पर्टिकुलर इकॉनमी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि कल ऐसा था और आज ऐसा है, कल 10 रुपये में था आज 100 रुपये में, वो नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 साल पहले अगर हम
देखेंगे चावल आटा चीनी और कपड़े एक रेंज में होते थे, और अगर हम वही कपड़े वही चावल वही चीनी आज बात करेंगे वो सब चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। कोई 10 रुपये महंगी है, कोई 20 रुपये महंगी है, कोई 50, कोई 100 रुपये महंगी हुई, लेकिन महंगाई हर एक चीज़ में मिलती है। तो ये जो जनरल प्राइस राइज हुआ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। शाबाश, देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा है, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी वेयर द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर डिक्रीजेस। ठीक है, देखो इसमें बात क्या क्या आ गई, दो चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में, एक होते हैं गुड्स। गुड्स क्या होती हैं, चीज़ें, मतलब वो चीज़ें हम गुड्स उन चीज़ों को बोलते हैं जिनको हम टच कर पाते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको हम टच कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रेडियो लिया, क्या रेडियो को टच कर सकते हैं, हाँ ये एक गुड है, राइट। मैंने क्या खरीदा, मैंने शर्ट खरीदी, क्या शर्ट को टच कर सकते हैं, बिल्कुल, तो ये भी चीज़ है ना। मैंने चीज़ ली, पनीर ली मैंने, क्या इसको टच कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने चिकन लिया, राइट। मैंने घर बनाया, ये सारा गुड्स में आता। मैंने सीमेंट लिया, ये सारा गुड्स में आएगा। तो पहला चीज़ है इकोनॉमी में टर्म गुड, ठीक है, वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। दूसरा होता है सर्विस, सर्विस होती है जो आपको फॉर एग्जांपल ऐसी हम उनको टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती है वो। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे आप ट्यूशन लेने जाते हैं एजुकेशन सेक्टर में, अगर आप ट्यूशन लेने जाते हैं, आपको पता होगा जब हम बचपन में अगर कोई ट्यूशन लेने जाता था वो 500 पर मंथ देता था टीचर को, अगर आप आज जाओगे ना आपको 2000 पर मंथ देना पड़ेगा, कोई 500 पे आपको सारी बुक्स नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये प्राइस राइज हुआ है सर्विसेज में भी, तो ना ही गुड्स में बल्कि गुड्स प्लस सर्विसेज। अच्छा, अगर आप जाते हैं गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं आप बस में, राइट, अगर आपको याद होगा 2 रुपये में हम देते थे किराया, लेकिन आज उसी रूट का 20 रुपये किराया है, वो भी प्राइस राइज हुआ है। दैट मीन्स जब जनरल प्राइस राइज होता है हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़ में, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज में जब जनरल प्राइस राइज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, ये मैं किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, आज का प्राइस राइज, आज का प्राइस लेवल मैं अपने बचपन के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जनरल प्राइस राइज होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, सर्विसेज में एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, हॉस्पिटल जो डॉक्टर की सर्विस होती है, अब देखो पहले ज़माने में आपको पता है कुछ साल पहले 100 रुपीज़ डॉक्टर फी लेता था, आप देखो आज तकरीबन 300 के ऊपर 500 लेता है फी डॉक्टर, है ना। तो सर्विसेज में भी इंक्रीज हुआ है ना, प्राइस राइज इंक्रीज हुआ है, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो तभी यहाँ पे लिखा है इन्फ्लेशन इज अ जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, सर्विसेज के भी जो प्राइसेस है इंक्रीज हो गए हैं और गुड्स के भी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि कल 100 रुपये था आज 500 नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में चेंज हुआ है विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो लेकिन मैं बात कहाँ की कर रही हूँ, इंडिया की, पूरे कंट्री की मैं बात करें, एक इकॉनमी की बात करें, मैं नहीं कर रही हूँ कि अमेरिका की बात, इंडिया की बात, नहीं, मैं एक इकॉनमी, अपनी इकॉनमी की बात करें, इंडिया की इकॉनमी की बात करें, विद इन अ पर्टिकुलर इकॉनमी वेयर परचेजिंग पावर ऑफ अ कस्टमर डिक्रीजेस। परचेजिंग पावर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, समझाया मैंने कि जब बच्चे को हमें देते थे 10 रुपये, हम 10 रुपये में अच्छी खासी चीज़ें ले सकते थे, लेकिन वही 10 रुपये आज बच्चे को दो, वो कुछ नहीं, वो छोटी या तो एक चॉकलेट खरीद सकता है, छोटा चिप्स खरीद सकता है। तो दैट मीन्स उन वही 10 रुपये जब मेरे पास थे, मेरा परचेसिंग पावर बहुत था, मैं बहुत चीज़ें परचेज कर सकता था, लेकिन वही 10 रुपये मैं आज दे रहा हूँ एक छोटे बच्चे को, लेकिन उसका परचेसिंग पावर कम है एज कम्पेयर टू जो मेरा था उन्हीं 10 रुपयों के लिए। दैट मीन्स परचेसिंग पावर इससे कम होता है इन्फ्लेशन से, शॉर्ट टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं ना। बात समझ में आ गई, लेकिन इन्फ्लेशन जो महंगाई है ना, इसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए हम एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हम परचेसिंग पावर की बात करें कम हो गया, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है ये, गुड्स और सर्विसेज दोनों में हुआ है ये, राइट, और एक जनरल राइज हुआ है प्राइस में, ये नहीं कि बस प्याज महंगे हो गए, नहीं, हम पूरे अगर हम चीज़ें देखेंगे, आप देखो पहले मीट कितना, एक केजी कितने पैसों में आता था, राइस कितने पैसों में आता था, पूरा आपको समझ आया कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का, इसका इन्फ्लेशन का। शाबाश, वेन द जनरल प्राइस इज राइज ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज लेसर गुड्स एंड सर्विसेज, जब प्राइस राइज, जनरल प्राइस राइज होता है तो एक यूनिट होता है जो हमारी करेंसी का एक यूनिट होता है, वो कम चीज़ें खरीद सकता है, वो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। यहाँ तक क्लियर है सारा? शाबाश। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम
एक्सपेक्टेशन. हमारी गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. यही मेजर करती है सीपीआई को, ये मेजर करती है इन्फ्लेशन को. ठीक है, इसमें एक इसके अंडर एक डिपार्टमेंट है एनएसओ. ठीक है, एनएसओ एक डिपार्टमेंट है, वही मेजर करती है इन्फ्लेशन को. अब यहाँ पे भी आप देखो, व्हाट इज इन्फ्लेशन. इन सिंपल वर्ड्स, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू विच द यूनिट करेंसी हैज लेस परचेजिंग पावर, जो कि मैंने आपको अभी तक समझाया. अब जो ये इन्फ्लेशन है ना, इसके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. जब महंगाई हो गई, इसके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने घर बनाया, ठीक है, अगर मैंने घर बनाया तो टेंजिबल है ना, उसको मैं टच कर सकती हूँ, टेंजिबल गुड है ना. तो मैंने ये बनाया पहले, तो अगर मैंने 10 साल पहले घर बनाया है, उस टाइम मुझे 1 लाख, मैंने 5 लाख में ये घर बनाया है. लेकिन अगर मैं अभी बात करूँगी ना, तो यही घर अगर मैं बेचूँगी तो इसमें बहुत पैसे आएंगे, इन द सेंस कि, या अगर मैं इसको रेंट पे दूंगी अभी, फिर ये मेरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बनाया ना, मैंने पैसा इन्वेस्ट उस टाइम पे किया, अभी मेरे लिए बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है. तो टेंजिबल एसेट्स के लिए अच्छा है, बट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन कैश. देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाऊंगी. अगर मैंने 5 साल पहले घर बनाया और उस घर को बनाने में मुझे 10 लाख रुपये लगे, ठीक है, 10 लैक्स, शाबाश, बात समझ आ गई. तो मैंने घर बनाया, देखो मैं और मेरा भाई, हमें पेरेंट्स के पास पैसे थे, उन्होंने वो पैसे 2 हिस्सों में बांटे, मेरे भाई को जितना दिया उतना मुझे भी दिया, राइट. तो मेरे पेरेंट्स के पास 20 लाख रुपीज़ थे, कितने थे, 20 लाख रुपीज़. उन्होंने 10 लाख मुझे दिए और 10 लाख मेरे भाई को दिए, बात समझ में आ गई. मैंने क्या किया, मैंने आज से 5 साल पहले जब पेरेंट्स ने 10 लाख मुझे दिए और 10 लाख मेरे भाई को दिए, मैंने उन 10 लाखों में घर बनाया. क्या बनाया, घर बनाया. अब 5 साल के बाद मेरे भाई जो है, उसने कुछ नहीं किया, उसने वो अपने बैंक अकाउंट में रखे, उसको अपने पास थे, मानो कि उसको अपने पास पैसे थे. अब वो आज बोल रहा है कि मैं घर बनाऊंगा, लेकिन मैंने कब बनाया, 5 साल पहले या 10 साल पहले मैंने बनाया, तो मेरे पास एसेट है ना. अगर वही घर, जब मेरा भाई बोलता है आज मैं घर बनाऊंगा, लेकिन वो जब देख रहा है सीमेंट कितना महंगा हो गया है, ये आयरन कितना महंगा हो गया है, वुड कितना महंगा हो गया, रूफ कितना महंगा बनता है, तो वो जब एस्टिमेट करता है, वो बोलता है कि मैं तो घर बनाता, लेकिन अब वैसा ही घर जो आपने बनाया वो अभी 20 लाख में बन रहा है, ठीक है. तो दैट मीन्स, अगर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे की, मैं फ़ायदे में हूँ, मेरे लिए इन्फ्लेशन पॉजिटिव हुई, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं अभी वो घर बेचूंगी, अभी मैं बनाऊंगी वो घर, तो वो डबल कीमत में बनेगा, मैंने ऑलरेडी वो बनाया है हाफ ही कीमत पे, ठीक है, तो मुझे फ़ायदा हुआ इन्फ्लेशन का. अगर मैं वो घर बेचूंगी, मैं भाई को बोलूंगी नहीं आप, पता है आप मेरा घर ले लो, तो मैं आप 15 लाख दो, फिर भी मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा आ गए, लेकिन उसने हाथ में क्या रखे, पैसे. तो इन्फ्लेशन की वजह से उन पैसों का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि परचेजिंग पावर कम होता है इन्फ्लेशन से, जो कि मैंने आपको समझाया, इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम होता है. तो जिसके हाथ में पैसे होते हैं उसके लिए वो नेगेटिव होती है इन्फ्लेशन, ठीक है. तो इन्फ्लेशन का होना कुछ चीज़ों पर पॉजिटिव होता है, कुछ चीज़ों पर नेगेटिव होता है. आगे हमें आपको आराम से समझा. इट इज एस्टिमेटेड एज द परसेंटेज रेट ऑफ चेंज इन प्राइस इंडेक्स ओवर द रेफरेंस टाइम पीरियड. तो बेसिकली जब हम मेजर करते हैं ना, ये इन्फ्लेशन जब हम मेजर करते हैं, इस हम किसी पुराने डेट के साथ ये कंपेयर करते हैं ना, कि उस टाइम पे क्या था प्राइस और आज क्या है, तो उसको हम रेफरेंस डेट बोलते हैं. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. मैं आपको आगे समझाऊंगी ये क्या होता है. तो अगर हम अभी अगर हम मेजर करते हैं ना इंडिया में इन्फ्लेशन, तो हम सीपीआई के बेसिस पे मेजर करते हैं. सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और उसमें हम कंपेयर किस ईयर के साथ करते हैं, बेस ईयर क्या होता है उसमें, उसमें बेस ईयर होता है 2012. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ हम कंपेयर करते हैं, सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को. सीपीआई जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इससे हम मेजर करते हैं कि कितनी महंगाई हुई है. इसके लिए बेस ईयर क्या है, 2011-2012, ठीक है. तो क्योंकि इससे पहले बेस ईयर 2004-2005 था, फिर रिसेंटली चेंज होके इसको 2011-12 कर लिया, तो 2012 इसका बेस ईयर है. उस प्राइस लेवल तक हम कंपेयर करते हैं आज का प्राइस, तो हम सीपीआई निकालते हैं, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, उससे हम देखते हैं महंगाई कितनी हुई है, ठीक है. आगे मैं आपको इसको इन डिटेल समझाऊंगी.
टिल अप्रैल 2014 अप्रैल 2014 तक जो इन्फ्लेशन रेट था वो हम मेजर करते थे WPI से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से, लेकिन अब किससे करते हैं हम? CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो लेकिन आपको याद रखना है कि अप्रैल 2014 तक हम इन्फ्लेशन को मेजर करते थे होलसेल प्राइस इंडेक्स से, WPI को हम, उस इंडेक्स को हम देखते थे, तब हम इन्फ्लेशन निकालते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं? CPI से इसको मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। शाबाश। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी आप याद रख लो, आगे आपको पूरा समझ आएगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हमें देखनी होगी, हम देखते हैं करंट पीरियड प्राइस, अभी क्या प्राइस है, माइनस रेफरेंस पीरियड प्राइस, उस टाइम इंडेक्स के हिसाब से क्या प्राइस था, डिवाइडेड बाय रेफरेंस पीरियड प्राइस, उस ज़माने का प्राइस, उस ईयर का प्राइस, इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है इन्फ्लेशन की, राइट। देखो आगे मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँगी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये जो महंगाई है ना, डिफरेंट तरीकों की होती है, टाइप्स इसमें क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लेशन होती है वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन कॉजेज, क्या वजह हुई, ठीक है, वजह क्या हुई जो इन्फ्लेशन हुई, वो टाइप्स हम देखेंगे। तो इन्फ्लेशन के जो टाइप्स हैं वो हम पहले कॉजेज के बेसिस पे देखेंगे कि वजूहात के बेसिस पे डिफरेंट इन्फ्लेशन जो होती है ना, इस वजह से ये इन्फ्लेशन हुई, उस वजह से ये इन्फ्लेशन हुई, उस वजह से वो इन्फ्लेशन हुई, उसकी जो टाइप्स है ना बेस्ड ऑन कॉजेज, डिफरेंट वजूहात की वजह से, वो हम पहले देखेंगे। तो इसमें आता है सबसे पहले करेंसी इन्फ्लेशन। क्या आता है? करेंसी इन्फ्लेशन। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। जब हम प्रिंट, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट कराते हैं ना करेंसी नोट्स, जैसे 500 के नोट्स, 1000 के नोट्स, 2000 के नोट्स प्रिंट कराते हैं, तो उससे क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है। देखो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगी, महंगाई कब होगी? जब पैसा होता है लोगों के पास। जब लोगों के पास पैसा, अगर मेरे पास 5000 रुपये है इस टाइम पे, मैं जाऊंगी बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाऊंगी। जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, मैं क्या खरीदने जाऊंगी? अब जब मेरे पास पैसा है, मैं चीज़ें खरीदने, लोग चीज़ें खरीदने जाएंगे, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी ना, तो उसका दुकानदार के पास जब रश लगेगा, तो वो चीज़ें तो उसके पास लिमिटेड है, जो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट लिमिटेड एक पर्टिकुलर होता है। लेकिन जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने जाएंगे, और दुकानदार किन को चीज़ें देगा? जो उसको हाईएस्ट दाम पे ले लेगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन होती है। जब पैसे ही ना हो तो जाएगा कौन लेने? तो दुकानदार बोलेगा आप कोई लेता ही, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट सेम है ना, उसके पास चीज़ें हैं अवेलेबल, लेने कोई नहीं जा रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। जब लोगों के पास पैसे नहीं है, वो नहीं लेने गए, दुकानदार बोलेगा मेरा माल खराब हो जाएगा, अब मैं कम दाम पे बेचूंगा, तो वापस आ जाएगी ना प्राइस राइज, तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, कम ही प्राइस राइज होगी, ठीक है, राइट। उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। तो ये सारा खेल है पैसे का, जितना पैसे लोगों के पास है उतनी इन्फ्लेशन होगी, उतनी महंगाई होगी, जितना कम पैसा है लोगों के पास उतनी जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे मैम फिर तो अच्छा ही है, पैसा ही ना हो तो महंगाई भी नहीं होगी, नहीं, अगर पैसा नहीं होगा लोगों के पास, वो कुछ खरीदने नहीं जाएंगे, तो बाकी उनके घर कैसे चलेंगे? इकोनॉमी चलने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलने के लिए, पैसा घूमने के लिए ज़रूरी है किसी लेवल तक इन्फ्लेशन भी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्राइस राइज होना चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहला कैटेगरी हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉजेज, क्या क्या वजूहात की वजह से क्या क्या तरह की इन्फ्लेशन होती है। सबसे पहली है करेंसी इन्फ्लेशन। इट इज़ कॉज्ड बाय प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। जब गवर्नमेंट ने ज़्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट कराए, अब वो अल्टीमेटली लोगों के पास आए किसी ना किसी तरीके से, जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऑब्वियसली वो इन्फ्यूज़ करते हैं ना इसमें ही। और ये जो सारा खेल होता है ना इकॉनमी का और इन्फ्लेशन का, ये सारा मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे ये होता है, मुनहसर होता है। मार्केट में डिमांड कितनी होगी और सप्लाई कितनी होगी, उसी पे सारा खेल चलता है। अब करेंसी जब उनने नोट छपवाए ना, उससे भी इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट और नोट छपाता है, वो किस लिए छपाता है? ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करता है ना लोगों के लिए ही, और लोग जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया तो वो पैसे आ गए किनके पास, सहूलियतें किनके पास आ गए, लोगों के पास आ गए, तो उससे भी प्राइस राइज होता है। तो करेंसी इन्फ्लेशन हम उसी को बोलते हैं जब वन वी प्रिंट करेंसी नोट्स, वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम इंडिया की बात करेंगे, दिस ऑर्डर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, इसको हम करेंसी इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट इन्फ्लेशन। दिस हैपन्स व्हेन क्रेडिट एक्सपेंशन लीड्स टू अ राइज इन द प्राइस लेवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसने, आपको पता है RBI है सेंट्रल बैंक, वो जब पैसे देता है किनको,
बाकी बैंक्स को लोन देता है कम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे, या वो ऑर्डर निकालता है कि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम करो, ठीक है। तो जब रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम हो गया, बैंक्स ने लोन प्रोवाइड किए लोगों को कम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे, अब मैं बोलूँगी, मैं घर जाके बोलूँगी अपने फादर को, मुझे लोन लेना है 10 लाख का, वो बोलेगा नहीं, इसमें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब कल न्यूज़ में आई कि RBI ने ऑर्डर किया कि 5% इंटरेस्ट रेट से अब 2% इंटरेस्ट रेट लो। अब अगर मैं बोलूँगी फादर को शाम को कि मैंने तो बोला था मैं लोन ले लूँगी, वो बोलेगा हाँ अब लो, क्योंकि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम हो गया है, अब 2% इंटरेस्ट रेट। जब क्रेडिट फ्लो इंक्रीज होता है ना, ईजी होता है, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम होता है, तो पैसे लोगों के पास ज़्यादा आते हैं। जब लोगों के पास, फिर से वही साइकिल, जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए, लोग मार्केट में चले गए। हमारा सप्लाई एक हद तक होता है ना, एक एग्रीकल्चर आउटपुट या मैन्युफैक्चरिंग एक हद तक होता है, तो चीज़ें वही उतनी ही हैं। यहाँ पे लोगों के पास पैसा आ गया, अब इस टाइम क्रेडिट की वजह से आ गया, उनके पास इजली पैसा हो गया, तो इन्फ्लेशन हो गई। तो ये दूसरा टाइप होता है, राइट। तो पहले पे काज क्या था, गवर्नमेंट ने करेंसी छपवाई, दूसरे पे क्या था, क्रेडिट इजली अवेलेबल हो गया। तीसरा है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, इट हैपन्स व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू एंड द गवर्नमेंट कैन आस्क RBI टू प्रिंट मनी टू मीट द बजट डेफिसिट। जब हमारा बजट डेफिसिट होता है, देखो वो क्या होता है, डेफिसिट हो गया जब गवर्नमेंट खर्चा करता है ज़्यादा लेकिन उसके पास पैसे होते हैं कम, ठीक है। गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगा लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम होंगे, अब वो लाएगा कहाँ से, अब कभी कभी ऑप्शंस भी ख़त्म होते हैं। तो जब बजट डेफिसिट होता है ना, बजट डेफिसिट हम तभी बोलते हैं जब बजट का एक्सपेंडिचर, बजट का एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, खर्चा वाला पार्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनकम वाला पार्ट, ठीक है। तो डेफिसिट हो गया तो उस टाइम भी गवर्नमेंट क्या करता है, ऑर्डर RBI को, क्या आप, ये कभी कभी होता है ये, मैं हर एक ये जो टॉपिक है ना मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ टर्म, इसका हम इन डिटेल भी देख सकते हैं फिर, इसके भी बहुत सारी कॉल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट RBI को ऑर्डर करता है कि आप प्रिंट करो करेंसी, क्यों, बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए। इसीलिए फिर क्या होता है, इससे भी होता है इन्फ्लेशन, राइट। और यहाँ पे आप एक बात और नोट करो, जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई, आपको पता है उन्होंने PM किसान लाया, उसमें क्या मिलता है, उसमें किसानों को 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 मिलते हैं। अभी किसानों को नहीं मिलते थे पहले, वो मत मिलते थे, तो किसान कम ही चीज़ें लेता था, वो खाद लेने जाता पहले सोचता, लेकिन जब उसको गवर्नमेंट विदाउट किसी चीज़ के गवर्नमेंट उसको 6,000 दे रही है, अब लोगों के पास क्या हो गया, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए, वो तो आप डबल खाद ले लेंगे ना, वो तो आप डबल मैनवर ले लेंगे, वो तो सीड्स भी अच्छे ले लेंगे, तो डिमांड बढ़ गई ना, तो इन्फ्लेशन हो गई। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, खर्चा कैसे हो गया, एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर किस में था, वो बजट में, उन्होंने स्कीम लाई ना, बजट में जब स्कीम लाई, इतनी बड़ी स्कीम PM किसान स्कीम, उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया, खर्चा ज़्यादा किया, और वो खर्चा किस पे किया, लोगों पे किया, क्योंकि लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ गए, और लोगों के पास जब पैसे आ गए तो इन्फ्लेशन हो गई। बात समझ आ गई, सारा इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, इट हैपन्स व्हेन एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ओवर द अवेलेबल आउटपुट लीड्स टू अ राइज इन प्राइस लेवल। फॉर एग्जांपल एक हमारी एक शॉप है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैंने बोला ना ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं, वहाँ पे हर महीने 100 पेटियाँ जूस की बनती है, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो गई, अब लाइन में आ गए 100 पेटियाँ बनाते हैं, 200 आदमी आ गए, हमें लेना है जूस, हमें जूस की पेटी लेनी है, अब 200 आदमी लेने जूस की पेटी लेने आ गए, यहाँ पे 100 ही पेटियाँ हैं, तो ये क्या करेंगे, डिमांड इंक्रीज़ होगी ना, तो इसका प्राइस राइज हो जाएगा। तो हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होती है। एक तो हो गया पैसा ज़्यादा आने से इन्फ्लेशन, इवन नो डाउट डिमांड तभी इंक्रीज होगी जब लोगों के पास पैसा होगा, है ना, तो उससे भी ये होती, ये होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होता है, दिस मे अराइज फ्रॉम द ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वही जूस वाली फैक्ट्री, 100 पेटियाँ निकलती है, लेकिन अब इस बार जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, वो किसी भी रीज़न की वजह से इंक्रीज हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि वर्कर्स बोलेंगे कि हमें हमारा जो है दिन का वेज जो है हमें वो इंक्रीज़ करो, अब इसको वर्कर्स काम करने वालों को ज़्यादा पैसे देने पड़े, ठीक है, जूस फैक्ट्री वाले को, अब उनको ज़्यादा पैसे जब देने पड़े, वो थोड़ी खुद के पैसे देगा, वो भी जूस में ऐड करेगा ना, वो वाला खर्चा भी, क्योंकि उसको फ़ायदा
खुद के लिए फ़ायदा ही लेना है ना। अब अगर उसको शुगर महंगा पड़ा, या गन्ना उस टाइम पे शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुई थी तो शुगर महंगा था, जूस में वो भी ऐड करना है, वो महंगा पड़ा तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा जूस का, महंगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वो टिन में बनता है, टिन जो है वो अगर अवेलेबल नहीं होंगे ज़्यादा, अब वो खरीद के लाएगा, हाई दाम देगा उसको, तो जिसके पास होंगे वो उसको देगा, ठीक है। तो जब चीज़ें बनाने में हमें ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, तो उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी इन्फ्लेशन हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ महंगी भेजेगा ना, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा पैसे लगे, तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसमें अराइज फ्रॉम द ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हमें प्रोड्यूस किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो है ज़्यादा कॉस्ट लगा, तो इसलिए प्राइस राइज होता है। यहाँ तक हमने क्या देखा था, बेस्ड ऑन द कॉजेज, क्या क्या कॉज हो सकता है। कभी कभी प्रोडक्शन उसको चीज़ को बनाने में आप ज़्यादा पैसे लगे तभी इंक्रीज हुआ, कभी कभी गवर्नमेंट ने ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया उस टाइम हुआ, कभी कभी क्या हुआ बैंक रेट कम हो गई, लोन ज़्यादा अवेलेबल हो गए तो प्राइस राइज हो गया, है ना। या गवर्नमेंट करता है काम, सैलरी इंक्रीज करता है, या किसी मैन्युफैक्चरिंग ने वर्कर्स ने बोला हमें पैसे बढ़ाओ, जब वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देगा ओवरऑल वो चीज़ों को भी प्राइस राइज करेगा, ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब दूसरा है बेस्ड ऑन स्पीड और इंटेंसिटी, कितनी जल्दी इन्फ्लेशन होती है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी चिप्स पैकेट 3 साल पहले 10 रुपये में आता था, अभी वो 15 रुपये में आता है। फिर बोलेगा कोई कि चिप्स पैकेट 3 साल पहले 10 रुपये में आता था अभी वो 20 रुपये आता है। तो 15 रुपये में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, 20 रुपये में अगर आता है तो बहुत इंक्रीज़ हो गया। तो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है, बेस्ड ऑन द स्पीड और इंटेंसिटी, ये दूसरा एक टाइप है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हम किसको बोलते हैं, व्हेन द स्पीड ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट इन प्राइस इज स्लो बट स्मॉल, इट इज़ नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो जाएगी, 1% इन्फ्लेशन हो गया, 0.5% इन्फ्लेशन हो गया, 1% इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, 2% इन्फ्लेशन हो गया, मतलब अप टू 3% जब इन्फ्लेशन होती है, जब महंगाई होती है 3% तक, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, छोटी इन्फ्लेशन, थोड़ा सा ही इजाफा हो गया प्राइसेस में। जो चिप्स पैकेट 10 रुपये में मिलता था अभी 11 रुपये में मिलता है, ठीक है, वो हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन, थोड़ा सा ही इन्फ्लेशन हो गया। इट इज़ हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस राइज एट अ वेरी स्मॉल रेट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इतनी थोड़ी सी इन्फ्लेशन ज़रूरी होती है, ठीक है, इतनी थोड़ी सी इन्फ्लेशन ज़रूरी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। ये क्यों ज़रूरी होती है हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझ आ गया, जो थोड़ा सा प्राइस राइज हो जाएगा, माइल्ड होता है अप टू 3% जब इंक्रीज होता है प्राइस। उसके बाद होता है वॉकिंग और थ्रॉटिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग और थ्रॉटिंग इन्फ्लेशन, व्हेन प्राइस राइज मॉडरेटली एंड द एनुअल इन्फ्लेशन रेट राइज बाय सिंगल डिजिट, इट इज़ टाइम व्हेन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द इशू। देखो वॉकिंग और थ्रॉटिंग इन्फ्लेशन हो गया, पहले तो क्रीपिंग में थोड़ा सा हल्का इंक्रीमेंट हुआ, अब इसमें थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, मॉडरेट लेवल इंक्रीज हुआ, लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया ना, आगे जाके फिर मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन ठीक होता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है वो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है जब एक सिंगल डिजिट से डबल डिजिट की ओर जाएगा, प्राइस राइज एट अ मॉडरेट लेवल, जैसे अभी 3% इन्फ्लेशन था वो तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है 3% तक, लेकिन जब 3 से 10% ये हो गया ना, तो ये हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन और थ्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ध्यान दे इस पर। बात समझ में आ गई। अब एक और टाइप है, दैट इज गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन क्रीपिंग एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन आर लेफ्ट अनचेक्ड द रेट विल राइज अबो 10%। अब जब 10% से भी ज़्यादा प्राइस राइज हो जाएगा उसको हम गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, जब गवर्नमेंट इग्नोर करता है ना इन्फ्लेशन को पहले स्टेज पे, तो फिर ये रिजल्ट होता है आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन होता है, उसको हम गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब 10% से भी ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको बताया कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है जब 3% तक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ही होता है। अगर 10% तक इंक्रीज़ हो गया तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब अगर 10% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया उसको हम गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं।
दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी. हाइपर इन्फ्लेशन से क्या होता है, हमारी इकॉनमी इंस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, हमारी इकॉनमी ठीक नहीं रहती है. हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज मोर देन 50%. तो जब हाइपर इन्फ्लेशन हम कब बोलते हैं, जब 50% से ज़्यादा ही, देखो 10 रुपये में चिप्स पैकेट था अब 20 रुपये में है, 20 रुपये में था अब 40 में है, एक क्विंटल राइस 1000 में था अब 2000 में है. ठीक है, तो ये अचानक ये हो गया ना, ये 50% इंक्रीज हो गया है ना. जब 50% इंक्रीज हो जाएगा, जब बहुत अबाउट 10% 50% इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है, ये लास्ट स्टेज होता है इन्फ्लेशन का. मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन ठीक है, अब मॉडरेट भी हो जाएगी, वॉकिंग इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, लेकिन अगर आप हाइपर इन्फ्लेशन होती है ना, इसके बाद तबाही हो जाती है इकॉनमी. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इकॉनमी, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन. इससे फिर इकॉनमी बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती है. अब आप बोलेंगे मैम कि हाइपर इन्फ्लेशन कभी हुई है वर्ल्ड में? हाँ हुई है. कब कब हुई है? जर्मनी में हुई है 1920s में, अराउंड 1929, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन भी बोलते हैं, ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं. 1920s में, अराउंड 1920 जर्मनी में हुई है. एक अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे ना, उस पर एक फोटो चिपका, फोटो है उस चैप्टर में इकोनॉमी की, एक एनसीईआरटी आई थिंक 11th और 12th की होगी, उसमें दिखाया गया है कि एक बंदा जो है, जो कार्ट होते हैं ना ब्लॉक कार्ट की, वो कार्ट होती है, उस कार्ट पे, उस बड़े से रेड़े पे, उस पूरी कार्ट को फुल करके पैसे उसमें रखे हैं, और पता है क्या लेके जा लेने जा रहा है, उस एक कार्ट बर के कार्ट थी वो, बर के रेड़ा था वो पैसों से, वहाँ से एक ब्रेड खरीद के आ रहा है. उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी जर्मनी में उस टाइम पे, वहाँ पे गैलोपिंग हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी. कब? 1920s में. जिम्बाब्वे में हो गई थी 2000s में. उस टाइम वैल्यू ही नहीं रहता है पैसों का. मैंने आपको बोला थोड़ा सा भी अगर इन्फ्लेशन होती है ना, तो परचेसिंग पावर कम हो जाता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है. अब इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन जब होगी तो क्या रहेगा वैल्यू, है ना. अब जर्मनी में हुआ था 1920s में, जिम्बाब्वे में हुई थी हाइपर इन्फ्लेशन 2000s में, और अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम भी हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी. वेनेजुएला में रिसेंटली 2018 में हुआ था, वेनेजुएला में 2018 में हुआ था. 2018 में क्या हुआ था, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी. इवन वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, मैं आपको ये भी बताऊँ, वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया था, बेसिकली वो गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सारी, वहाँ पे वो एक डेवलप्ड कंट्री बनी थी, क्योंकि वो वहाँ पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस, मतलब ऑयल रिजर्व्स है वहाँ पे, तो गवर्नमेंट वहाँ की क्या करती थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें देती थी. अब फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें देती थी, तो ये आलसी हो गए लोग, फिर इन्होंने अब उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद से जो पोटेंशियल है वो उनका लॉस हो गया था. तो इसमें बहुत सारी अंदर से जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम अलग पढ़ेंगे. तो आपको याद रखना है कि हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में 1920s में हुई थी, जिम्बाब्वे 2000 में हुई थी, अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम हुई थी, वेनेजुएला में हुई थी 2018 में. प्राइस राइजेस एट अ वेरी हाई रेट 20% टू 100%, मतलब 10% तक गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और हाइपर इन्फ्लेशन 20% से भी ज़्यादा जब होता है, अब तो 100%, जब डबल डिजिट ग्रोथ होती है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन होती है, उस तो हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं. 20% टू 100% जब होता है तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं. दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड वेरी वेरी बैड फॉर इकॉनमी. बात समझ में आ गई. इसके बाद है स्टैगफ्लेशन ए कॉन्सेप्ट. स्टैगफ्लेशन ये एक अदर्स में आता है, फिर ये भी इन्फ्लेशन ही है. स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच रेट इज़ हाई, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लोज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स स्टेडिली हाई. बेसिकली देखो स्टैगफ्लेशन होता है यूजुअली, अगर आप फिलिप्स करो आपने पढ़ा होगा, वो बोलता है कि जब इन्फ्लेशन होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इस टाइम पे प्राइस राइज होता है, इकॉनमी अच्छी खासी चल रही होती है, और जब इन्फ्लेशन होती है ना, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होनी चाहिए. लेकिन जो स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन होती है ना, इस टाइम पे इन्फ्लेशन तो होती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होती है. ठीक है, जब इन्फ्लेशन होगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी ना, उस कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं. जब इन्फ्लेशन भी होती है इकॉनमी में लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इन प्राइस राइज तो हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रही, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं. व्हेन देयर इज हाई इकोनॉमिक रेट, व्हेन देयर इज हाई दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी व्हेन देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इट इज ऑल्सो नोन एज रिसेशन इन्फ्लेशन. इसको हम रिसेशन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. इन्फ्लेशन तो है लेकिन ये सॉर्ट ऑफ रिसेशन होता है, क्योंकि जॉब्स ही नहीं क्रिएट होती है. ग्रोथ वो होती है जब जॉब्स क्रिएट होंगे, जब लोग आराम से रहेंगे, तो ये ऐसी इन्फ्लेशन होती है. जब रिसेशन होता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहती है, उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं. इट इज़ अ डिलेमा
फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस एक्शंस इंटेंडेड टू लोअर द रेट मे वर्सन द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. ठीक है, लेकिन इसमें देखो डिलेमा क्यों होता है, इस सिचुएशन में डिलेमा क्रिएट होता है किनको, पॉलिसी मेकर्स को. क्यों? ऐसे नॉर्मल टाइम में जब इन्फ्लेशन होती है ना तो जॉब्स भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट रेट ठीक ठाक होती है. वो अब अगर ये इन्फ्लेशन को कम करेंगे, नॉर्मल टाइम्स में जब इन्फ्लेशन को कम किया जाता है जॉब्स भी कम होती है. अब ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, जब वो इन्फ्लेशन कम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती जाएगी. तो ये एक डिलेमा क्रिएट होता है पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में, राइट. वो बोलते हैं अगर हमने अब इन्फ्लेशन को कम किया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है, तो डिलेमा क्रिएट होता है. यहाँ तक समझ आ गया. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी ड्यू टू हाई प्राइस फ्लक्चुएशन इज कोर इन्फ्लेशन. देखो कोर इन्फ्लेशन होता है जब महंगाई होगी हर एक चीज में, जब महंगाई होगी हर एक चीज में, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, एक्सेप्ट बगैर दो चीजों की, एक तो फूड और एनर्जी. फूड और एनर्जी के बगैर जब बाकी चीज़ में प्राइस राइज होता है ड्यू टू हाई प्राइस फ्लक्चुएशंस, इसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलती हैं. ठीक है, जब हर एक चीज़ में या हर एक सर्विस में महंगाई होगी लेकिन एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी, उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड एज गवर्नमेंट नीड्स अ स्टेबल एंड ट्रू पिक्चर ऑफ रेट ऑफ प्राइस राइज. ये कोर इन्फ्लेशन क्यों कैलकुलेट की जाती है? क्योंकि देखो खाना जो है ना वो एक बहुत बेसिक नीड है. एनर्जी है ना, आजकल एनर्जी के बगैर कुछ नहीं चलेगा. जब आपके पास कुकिंग गैस होगा ना तब आप खाना बनाओगे, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी ना तब आप पढ़ पाओगे. ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तब आप प्रिंट कर पाओगे. तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना है, एक सच्ची पिक्चर निकालने के लिए, एक समझने के लिए कि सच में हमारी इकॉनमी में क्या चल रहा है, इसलिए वो कैलकुलेट करवाता है कोर इन्फ्लेशन. वो देखता है खाना और एनर्जी के बगैर इन्फ्लेशन किन चीज़ों में इन्फ्लेशन है, और जब वो देखता है कि खाने और एनर्जी के बगैर जो इन्फ्लेशन हो रही है उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं. हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? दिस मेजर कंसिडर्स टोटल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस विच आर मोर वोलाटाइल. अच्छा, और आपको पता है फूड और एनर्जी के प्राइस होते हैं ना वो बहुत हाई लो हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे खाने पेरिशेबल भी होते हैं तो उनके जो प्राइसेस होते हैं वो वोलेटाइल होती है. हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है जब पूरा ये देखता है, पूरा टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी की कंसिडर करता है, फूड भी एनर्जी भी कंसिडर करता है, तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं. ये ज़्यादा वोलेटाइल होती है, अप डाउन हो जाती है. क्योंकि आपको पता है देखो अगर आप ऑयल प्राइसेस भी देखोगे ना, वो एक दिन एक चीज़ होती है, एक रुपया ऊपर होता है, दूसरे दिन दो रुपया ऊपर होता है, तीसरे दिन एक रुपया कम होता है ना, ये चेंज होती जा रही है. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन तभी मोर वोलेटाइल होती है क्योंकि उसमें फूड भी आता है, एनर्जी भी आती है और बाकी चीज़ें भी आती है. पूरी इकॉनमी की, टोटल इकॉनमी की इन्फ्लेशन देखी जाती है, टोटल इन्फ्लेशन देखी जाती है इकॉनमी की, राइट. ओके, तो यहाँ पे टाइप्स हमने देखे. पहले हमने ऑन द बेस ऑफ कॉज और उसके बाद ऑन द बेस ऑफ द स्पीड और इंटेंसिटी और बाकी अदर्स स्टैगफ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन देखा. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. जैसे कि मैंने आपको पहले ही सारी पिक्चर समझाई, अब आपको ईजी लगेगा. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉज क्या होता है इन्फ्लेशन का? यहाँ पे भी आप देखोगे स्क्रीन पे आ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी. जब एक इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा होगी चीज़ों की, सर्विसेज की, आजकल सब लोग प्रेफर करते हैं हाई वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को भेजना, तो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा, तो वो फीस भी बढ़ा रहे हैं. एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पुट्स मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक इंक्रीजिंग डिमांड एंड प्राइसेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज. तो लेकिन ये सारा इंटरकनेक्टेड है. डिमांड कब ज़्यादा होगी? जब गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगा, वो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा देगा. जैसे उन्होंने पे रिविजन किया, गवर्नमेंट ने उन्हें पे बढ़ा दिए, अब्रप्टली हो गए इंक्रीज, लोगों के पास पैसा आ गया. अगर कोई एफर्ट नहीं कर पाता ना बच्चों को कोचिंग भेजना, अब वो कर पा रहा है. जब गवर्नमेंट ने खर्चा ज़्यादा किया, लोगों के पास पैसे आ गए और डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ये भी एक कॉज होता है इन्फ्लेशन का, राइट. और क्या चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज, अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, है ना, इंक्रीज हो गई ना पॉपुलेशन में, चीज़ें सप्लाई तो वही है या थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है सप्लाई में, लेकिन पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है ना. जब पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसलिए इन्फ्लेशन हो गई. या पैसे लोगों ने छुपा के रखे थे, अब उन्हें निकाले और ख़रीदना स्टार्ट किया, उससे भी इन्फ्लेशन हो गई है.
या फ्लैक्चुएटेड कंजप्शन पैटर्न, पहले लोग साधारण खाना खाते थे, अब लोग जो है मैकडोनॉल्ड्स, अब पिज़्ज़ा, रेस्टोरेंट फूड ज़्यादा कंज्यूमरिज्म की ओर लोग जा रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो इन तीन चीज़ों से, एक तो गवर्नमेंट के खर्चा करने से, लोगों के हाथ में पैसा रखने से, पॉपुलेशन इंक्रीज से डिमांड बढ़ती है, मनी हर्डिंग से, अचानक ने लोगों ने पैसे बाहर निकाले जो उनने सेव करके रखे थे, या कंजप्शन अपना जो है खर्च करने का तरीका या चीज़ें लाने का तरीका बदल दिया, आप ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो वो होता है, ये कॉज होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। समझ आ गई बात? ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। फॉर एग्जाम्पल, इफ वेजेस इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सीन। अगर हम जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में, उनके पैसे इंक्रीज करें, वेजेस इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम अपने खर्चे से खसारा थोड़ी उठाएंगे, लॉसेस थोड़ी उठाएंगे। जो ऑनर होता है ना, वो प्राइस राइज करता है किनका, चीज़ों का, जो प्रोडक्शन में, जो वो प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जांपल, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, अगर उनके वेजेस बढ़ा दिए गए, लेकिन वो जो इंक्रीज हो गया ना उनका खर्चा, वो किस में से निकलेगा, चीज़ों में से, कपड़े में से, तो महंगा हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही हमें पैसा ज़्यादा लगेगा, तो वो पैसा हम निकालते हैं फिर कंज्यूमर से, फाइनल प्राइस राइज होता है। ठीक है, एज इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन प्रोसेस, तो मैंने एक तो बोला कि अगर मजदूरों को हमें पैसा ज़्यादा देना पड़े, दूसरा ये है कि अगर एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगी, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज किया, कभी गवर्नमेंट भी करता है ना ये, अगर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा लाने के लिए धागे ज़रूरी होते हैं, डाई ज़रूरी होता है, अगर हमें इम्पोर्ट पे टैक्सेस ज़्यादा लगे, बाहर से जो चीज़ें हमें आती हैं वो महंगी पड़ी हमें, अगर हमें प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लेना है वो महंगा पड़ा, ओवरऑल प्राइस राइज तो होगा ही है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम उसी को बोलते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, MSP बढ़ाता है, इंक्रीज करता है गवर्नमेंट। देखो, जब गवर्नमेंट ने MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपसे कोई नहीं खरीदेगा ना, हम इस प्राइस पे आपको कम से कम, बिलो, सबसे कम प्राइस हम आपको MSP दे देंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर किसान को कोई MSP से कम पैसे देगा, क्या वो खरीदेगा? नहीं, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रखी है, बोला कि अगर आपको कोई नहीं खरीदेगा, हम MSP लेवल पे आपसे खरीदेंगे। तो अगर किसान किसी गवर्नमेंट के बगैर, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने गोदाम्स होते हैं ना, जहाँ से वो फिर राशन देते हैं, तो अगर किसान गवर्नमेंट के बगैर किसी को बेचेगा, वो बेचेगा MSP से ज़्यादा पैसे पे, है ना। जब किसान को गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई पैसे देगा, तभी वो बेचेगा उसको। अगर कम देगा तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट को ही बेचेगा। तो जब गवर्नमेंट ने MSP ही बढ़ा दिया, तो दैट मीन्स किसान ज़्यादा डिमांड करेगा पैसे का कि कम, वो ज़्यादा करेगा। तो अब मुझे बताओ, रॉ मटेरियल ही जब इंक्रीज हो गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ कि आपको फिर वेयर हाउसिंग में खर्चा लगता है ना, बाकी चीज़ें, फेल्ड मानसून एंड डिज़ास्टर, अगर मानसून ही ये होगा, बारिशें नहीं हुई, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, डिज़ास्टर हो गया, फ्लड्स आ गए, खेती तबाह हो गई, तो सप्लाई जब कम हो गई, तो मुझे बताओ, रॉ मटेरियल कम दाम पे मिलेगा, ज़्यादा दाम पे मिलेगा? वो ज़्यादा दाम पे मिलेगा। अब जब रॉ मटेरियल ही ज़्यादा दाम पे मिला, तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, ज़्यादा, वो ज़्यादा होता है। राइट, बात समझ में आ गई? शाबाश। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, एज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, लेबर एक्सपेक्टेस एंड डिमांड्स मोर वेजेस टू मेंटेन देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीजिंग प्राइसेज एंड द वेज प्राइस स्पाइरल कंटिन्यूज। अब क्या बोला जाता है कि जब चीज़ें महंगी हो गई, सर्विसेज महंगी हो गई, अब जो काम करने वाले होते हैं वो क्या डिमांड करेंगे? वो बोलेंगे ऑनर को, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना घर भी नहीं चल रहा है, हमें अगर घर चलाना है, आप देखो महंगाई आसमान को छू रही है, हमारा ये करो, हमारा वेज इंक्रीज करो। अब ये होता है स्पाइरल, हम इसको क्यों बोलते हैं, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं, दूसरी चीज़ को बढ़ने से तीसरी चीज़ें बढ़ती हैं। चाहे हम वेज इंक्रीज करेंगे तब भी इन्फ्लेशन होगी, चाहे इन्फ्लेशन हो तब भी वेजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। अगर वेजेस को इंक्रीज करने से नहीं इन्फ्लेशन बढ़ी ना, अगर हमने वेजेस इंक्रीज नहीं किया फिर भी इन्फ्लेशन हुआ, क्योंकि डिज़ास्टर हुआ था, सप्लाई कम थी, तो इसके वजह से हमें क्या डिमांड आएगी, वेजेस इंक्रीज कराने की डिमांड आएगी, तो हमें वेजेस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब अगर हमने पहले ही वेज इंक्रीज किया है, उससे भी हमें फिर चीज़ें हाई रेट में बेचनी पड़ेगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इसको हम वेज स्पाइरल बोलते हैं, बिल्ट इन इन्फ्लेशन हम उसी को बोलते हैं।
ठीक है, इन्फ्लेशन होने की वजह से लेबर भी एक्सपेक्ट करता है वेज इंक्रीज, राइट, तो उससे और प्राइसेस जो है चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, उससे और प्राइसेस बढ़ते हैं चीज़ों के। मॉनिटरी इन्फ्लेशन क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंटिंग मोर मनी डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन ट्रिगर इन्फ्लेशन, इट्स अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री और अ करेंसी एरिया। जब रिजर्व बैंक, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ मनी कौन करता है, मनी कौन प्रिंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पैसे प्रिंट करेगा और अल्टीमेटली वो पैसे भी मनी सप्लाई कहाँ पर आ जाएगी, हमारे देश में ही आएगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, ऑब्वियसली उसको हम मॉनिटरी इन्फ्लेशन बोलते हैं, या डिफिसिट फाइनेंसिंग, जैसे मैंने बोला कि डिफिसिट इंड्यूस्ड है ना, तो गवर्नमेंट जब खर्चा भी ज़्यादा करता है फिर वो आरबीआई को बोलता है कि आप मनी और प्रिंट करो। रिमिडीज ऑफ इन्फ्लेशन, अब हमें करना क्या चाहिए, अब फिर गवर्नमेंट करता क्या है जब इन्फ्लेशन होती है ना, तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है? देयर आर सम रिमिडीज ऑफ इन्फ्लेशन दैट कैन बी टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक। अब जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है, इकोनॉमी को भी बचाना है, फिर स्टेप्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है, और गवर्नमेंट लेता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, यूनियन गवर्नमेंट जो होता है, वो लेता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है डिफरेंट स्टेप्स। अब क्या क्या स्टेप्स ये लेते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मॉनिटरी पॉलिसी। पहले तो मॉनिटरी पॉलिसी कंट्रोल करता था सिर्फ आरबीआई, लेकिन अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है हमारे पास। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट से होते हैं, 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, और उसका चेयरमैन जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, चेयरमैन उसका। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, अब ये चेक कर लेना, आरबीआई का गवर्नर होता है या फाइनेंस मिनिस्टर होता है, चेक कर लेना। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है ना, वो मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब मॉनिटरी पॉलिसी का मकसद क्या है? टू मैनेज द क्वांटिटी ऑफ मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी एंड ड्राइव इकॉनमिक ग्रोथ। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल बाई इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड डिक्रीजिंग बॉन्ड प्राइसेज। दिस हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपेंसिज ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन दैट पॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी, जो मॉनिटरी पॉलिसी है ना, वो चेंज करती है रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि जब देखो, जब रेपो रेट इंक्रीज होती है ना, तो सेंट्रल बैंक अगर बैंक्स को लोन देता है, जब बैंक्स को पैसे ज़रूरत पड़ती है ना, वो कहाँ जाते हैं लोन के लिए? वो जाते हैं आरबीआई के पास। अब अगर आरबीआई को लगेगा कि महंगाई बहुत हो गई है, दैट मीन्स अगर महंगाई है ना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा कहाँ से आ गया, लोग लोन लेते हैं बैंक से, तो लोन ईजिली अवेलेबल है, तो आरबीआई क्या काम करता है, वो रेपो रेट इंक्रीज़ करता है। जब बैंक उसके पास लोन लेने आएगा, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है बैंक को लोन, तो अब बैंक ज़्यादा लोन लेगा या कम, वो कम लोन लेता है। अब जब लोन लिया बैंक ने, उसको आ जाएंगे कंज्यूमर, कस्टमर्स अपने। अब जब कस्टमर आएंगे, तो क्या बैंक उनको कम रेट पे लोन देगा या हाई रेट पे लोन देगा? वो उसको हाई रेट पे लोन देता है। तो क्या लोग प्रेफर करेंगे लोन लेना? नहीं। अब उससे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा कम रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। अब अगर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को लगेगा कि लोग इन्फ्लेशन कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, वो क्या करते हैं, वो रेपो रेट को कम करते हैं। जब बैंक आता है लोन लेने के लिए, आरबीआई कम रेट पे पैसे देता है बैंक को। अब बैंक ज़्यादा लोन लेगा या कम, वो ज़्यादा लेता है। जब लोग आते हैं बैंक के पास, बैंक भी कम रेट पे लोन देता है। लोग ज़्यादा लोन लेंगे या कम लेंगे, वो ज़्यादा लोन लेते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, और उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, उससे ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो दिस इज द मॉनिटरी पॉलिसी की आरबीआई, यूजुअली इसका बहुत रोल होता है आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी में, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली मनी सप्लाई कहाँ से होती है? आरबीआई टू बैंक्स, बैंक्स टू पीपल, वापस पीपल डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, और बैंक्स किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास। यही एक चेन होती है। अब आती है बात फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड गवर्नमेंट डिसाइड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती है। फिस्कल पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगा। क्यों खर्चा करेगा? बोलेगा कि लोगों के पास पैसा आना चाहिए। गवर्नमेंट सड़कें बनाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाएगा। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, लोगों को काम मिलता है। जब एक नया प्रोजेक्ट आया सड़कें बनाने का, अब मुझे पता उसके लिए डिफरेंट, या कोई वेयर हाउस बनाने का, उसके लिए डिफरेंट मटेरियल चाहिए, वो खरीदेंगे वो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी ना। और जब जैसे एक्सपेंडिचर पार्ट में मैंने आपको बताया पीएम किसान की एग्जांपल दी, गवर्नमेंट ने खर्चा किया,
पैसे कहाँ गए लोगों के पास, उससे क्या हो गया, लोगों का परचेसिंग पावर, उनके पास पैसे आ गए हाथ में, इंक्रीज़ हो गया, और उनने अल्टीमेटली क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम करते हैं। तो जब एक्सपेंडिचर कम हुआ, काम रुक गए, काम कम हुए, लोगों के पास जो स्कीम्स है वो नई कोई और स्कीम नहीं लाई, पुरानी ही रखी उतनी ही, तो लोगों के पास पैसा कम रहता है, काम कम रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। दूसरा एक हो गया एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है टैक्स। गवर्नमेंट क्या लगाता है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्टली इस इंसान पे लगता है, किसी के पास सैलरी होती है बहुत हाई लेवल सैलरी होती है, किसी का बिजनेस होता है बहुत हाई लेवल बिजनेस होता है, उसके पास इनकम बहुत होती है, तो उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है चीज़ों पे, जो भी चीज़, कोई भी चीज़ खरीदोगे आप, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो टैक्स इंक्रीज़ करता है, टैक्स डिक्रीज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स को कम किया तो लोगों को टैक्स डिडक्शन ज़्यादा हो गया कम, जब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम की लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा रह गए, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो वो टैक्स रेट इंक्रीज़ करेगा, लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो लोगों को अपने पास पैसे कम रह गए, है ना, या वो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज़ करेंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो खरीदेंगे नहीं ज़्यादा लोग, डिमांड कम हो जाएगी। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स चीज़ों पर लगता है, जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज़ करेगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, उससे भी क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है। तो लेकिन गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू दो तरह से ये कंट्रोल करता है, एक तो एक्सपेंडिचर से, दूसरा टैक्सेस से, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। बात समझ में आ गई। सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स, इम्पोर्ट कमोडिटीज दैट हैव लेस सप्लाई एंड डिक्रीज एक्सपोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द गवर्नमेंट मे चेक ऑन होर्डिंग। अब गवर्नमेंट और क्या काम करता है, अगर यहाँ पे किसी टाइम क्या होता है, शुगर कैन की सप्लाई ज़्यादा नहीं है इस बार मॉनसून फेलियर की वजह या किसी भी चीज़ की वजह, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो ज़्यादा शुगर कैन को एक्सपोर्ट करेगा और उस एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी कम करेगा, सो देट कि ज़्यादा प्रेफर करें लोग वो लेना। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हमारे पास शुगर ही नहीं होगा तो उसकी प्राइस राइज हो गया ना बहुत ज़्यादा, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट इम्पोर्ट करता है उन चीज़ों को। और अगर ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्याज का दाम बहुत बढ़ता है कभी, वो कैसे होता है, सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है, और उसके बावजूद जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है, बैन लगाता है कि इतने महीने आप प्याज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इतने महीने आप प्याज को अपनी कंट्री से बाहर बेच नहीं सकते। क्यों, अगर हम अपनी कंट्री से प्याज को बाहर भेजेंगे, यहाँ पर खाने के लिए प्याज नहीं होंगे, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी एक तरीका होता है कंट्रोल करने का, ठीक है। और गवर्नमेंट चेक भी करती है, किसी ने मत गोडाउन में छुपा के रखा है, होर्डिंग मत की है, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग मत हो रही है। बात समझ में आ गया, ओके। अब मैं आपको समझाऊंगी कि मेजर कैसे करते हैं हम इन्फ्लेशन को। तीन तरह से हम करते हैं, तीन लेवल्स पे हम करते हैं मेजर इन्फ्लेशन को। वो तीन लेवल्स क्या क्या होती हैं, देखो सबसे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हम करते हैं ये इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं प्रोड्यूसर की लेवल पे। अगर हमारा कोई किसान है, उसको अगर वो वीट उगाता है, उस वीट को उगाने के लिए उसको पहले मैनुअर लाना है, उसको वीट के सीड्स लाने हैं, उसको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उस वीट को उगाने के लिए उसको कितना खर्चा होता है। इट मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन द सेलिंग प्राइसेस ओवर द टाइम रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। जब एक किसान फिर बेचता है ना, अगर इस बार उसने 20 रुपये में केजी बेचा वीट का, लास्ट ईयर उसने 10 रुपये में ही बेचा था, तो प्राइस राइज हुआ है ना, तो प्रोड्यूसर की लेवल पे हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला बेस ईयर होता है हमारा, वो भी इस टाइम हमारा बेस ईयर है 2011-2012, उससे पहले था 2004-2005, लेकिन अब क्या है 2011-2012। तो जब हम प्रोड्यूसर लेवल पे देखते हैं ना कि कितना प्राइस राइज हुआ है, उसको हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जब हम कंज्यूमर लेवल पे देखते हैं,
या फॉर एग्जाम्पल पहले देखेंगे हम, जब हम क्या देखते हैं, वर्ल्ड होल सेल प्राइस इंडेक्स देखते हैं होल सेल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल अब पहले हमने मैंने बताया आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो प्रोड्यूसर की लेवल पे देखा, उसके बाद प्रोड्यूसर से माल कहाँ जाता है, जब वीट निकलता है वो कहाँ जाएगा, वो होल सेलर के पास जाएगा। लेकिन होल सेलर के पास जाने तक उसमें क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, वेयर हाउस कॉस्ट लगेगा, डिफरेंट चीज़ें लगेंगी ना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें बताता है चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय द होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेसेस। इट इज़ रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI जो होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमें बताती है, इकोनॉमिक एडवाइजर हमें रिलीज करता है ये। और ये हम देखते हैं कि जब फार्मर से फिर अब होलसेलर के पास आया, अब इसको बेचने में, ट्रेड करने में इसको कितना हमें दिखता है, कंपेयर जब हम करते हैं ना इसी को 2011-2012 बेस ईयर के साथ आज की प्राइस राइज प्राइस को हम कंपेयर करते हैं कि होलसेलर के पास अगर वीट केजी 20 में था आज कितने रुपीस में मिलता है होलसेलर के पास, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हम उसी को बोलते हैं। तो उससे भी हम क्या चेक करते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन देखते हैं, लेकिन होलसेलर के लेवल पे, क्योंकि तीन लेवल्स होती हैं, एक तो प्रोड्यूसर जहाँ से उगता है बनता है, दूसरा होता है होलसेलर जो दूसरा स्टेप होता है, तीसरा होता है कंज्यूमर रिटेलर जहाँ से हम साधारण लोग जाके फिर लेते हैं चीज़ें, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर तीसरा लेवल आता है। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, आप याद, मैंने आपको बताया अप्रैल 2014 तक हम WPI के बेसिस पे इन्फ्लेशन मेजर करते थे, है ना। और ये देखो, एन अपवर्ड सर्च इन WPI इंडिकेट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकॉनमी। अगर WPI इंक्रीज होता है तो हमें क्या दिखता है कि इन्फ्लेशन है इकॉनमी में। इसका जो बेस ईयर है 2011-2012 है इंडिया में, इस टाइम बेस ईयर, उसी ईयर के प्राइसेस के साथ हम कंपेयर करते हैं। मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में, प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे फूड आर्टिकल्स होते हैं, नॉन फूड आर्टिकल्स होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स और नॉन फूड आर्टिकल्स। उसके बाद उसमें होता है फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल, मेटल्स, शुगर, ऑयल्स एंड मोर। बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स में डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट चीज़ें रखी गई, एक बास्केट बना दिया गया है। हम देखते हैं इस बास्केट में ये सारी चीज़ें डालेंगे और इनका प्राइस देखेंगे, और हम देखेंगे इन्हीं चीज़ों का बास्केट जो होता है 2011-2012 कितने पैसों में हमें मिलेगा, ए बास्केट, जो बास्केट हम अभी देखते हैं उसका प्राइस कितना है। तो उन्हीं दो प्राइसेस का हम कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन कितनी है, राइट। द मंथली WPI शोज एवरेज प्राइस चेंज ऑफ गुड्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन रेशियोज और परसेंटेज। तो मंथली ये WPI रिलीज होता है, मंथली हम देखते हैं कितना चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। इसमें WPI में सर्विसेज नहीं देखते हैं, सिर्फ चीज़ों का, सिर्फ गुड्स का प्राइस देखते हैं। सो सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सर्विसेज में हेल्थ आता है, IT आता है, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आता है। तो WPI में सिर्फ क्या दिखता है, चीज़ों का हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा लेवल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले हमने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देखा प्रोडक्शन पे, उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा, और अब हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब रिटेलर के पास आता है, रिटेल शॉप्स के पास आता है। इट मेजर्स रिटेल इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी बाय कलेक्टिंग द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन। तो यहाँ पे हम दोनों, यहाँ पे CPI जो होता है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैंने आपको बताया 2014 अप्रैल 2014 से हम CPI के बेस पे इन्फ्लेशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि CPI में दोनों आता है, गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं, गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं। और ये ज़्यादा बेहतर है ना कि हम देखेंगे एक कंज्यूमर, एक पर्सन जो एक कंज्यूम करता है, जो कंजप्शन करता है चीज़ों को, उसको कितना इन्फ्लेशन लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन तो वही झेल रहा है ना जो इंसान खरीदता है चीज़ें। तो कंज्यूमर लेवल पे हम जब देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें गुड्स भी आती हैं और सर्विसेज, इसमें हम सर्विसेज का भी देखते हैं और गुड्स का भी देखते हैं, और ये हमें इंसाइट्स देता है टू हाउ मच अ कंज्यूमर कैन स्पेंड टू बी ऑन पार विद द प्राइस चेंज। तो हमें इससे दिखता है कि एक कंज्यूमर जो है कितना खर्चा कर पा रहा है अगर प्राइस राइज होगा, ओबियसली ये डेफिनेटली होता ही है प्राइस राइज, तो एक कंज्यूमर कितना खर्चा कर पा रहा है, इससे जो हमारी सिचुएशन है वो ज़्यादा क्लियरली दिखती है। तो इसलिए CPI के बेस पर हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आती है बात, अब लास्ट पार्ट है इसका, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकॉनमी। इकॉनमी में इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट रहता है, क्या इसका रहता है। कुछ सम ग्रुप्स फेसेस लॉसेस, कुछ ग्रुप्स को तो लॉस फेस होता है, अदर ग्रुप फेसेस गेन्स, कुछ ग्रुप्स को जो है फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन से। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था एग्जाम्पल कि मेरे पास पैसे, मुझे माँ बाप ने 10 लाख दिए, मैंने मकान बनाया, मेरे भाई ने अपने पैसे अपने पास रखे, राइट। तो
इसी हिसाब से आप देखो द डिमांड डिक्रीजेज विच हैम्पर्स प्रोडक्शन इम्पो. देखो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा महंगाई होती है, तो लोगों के पास अगर एक लेवल की पैसे है, ठीक है, अब किसी हद तक जब पैसे होते हैं ना लोगों के पास तो महंगाई होती है. अब महंगाई जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो लोग भी फिर खरीद नहीं पाते, जब ज़्यादा ही इन्फ्लेशन होगी तो फिर एफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर प्रोडक्शन ही डिमांड भी कम हो जाएगी. अल्टीमेटली प्रोडक्शन जब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ज़्यादा देर तक रहती है ना तो अल्टीमेटली फिर हैम्पर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ. इम्पोर्ट्स इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट्स डिक्रीज फॉर अदर कंट्रीज दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द फॉरेक्स. अब मुझे पता जब यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर से तो इम्पोर्ट आ रहा है, हम चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी चीज़ें कौन लेगा जब ऑलरेडी महंगी है ना, तो बाहर से भी कौन लेगा. सडन इन्फ्लेशन रेट्स आर हार्मफुल टू द ओवरऑल इकॉनमी. अगर अचानक से इन्फ्लेशन हो गई ना, रेट इस बहुत हाई होगी, तो वो भी हार्मफुल होती है इकॉनमी के लिए, उससे मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है. और लॉन्ग टर्म बजट अगर कंपनीज होती है वो भी लॉन्ग टर्म बजट अपना नहीं कर पाती है ठीक से. देखो इस यहाँ पे आपको समझ आएगा, इन्फ्लेशन का होने का मतलब होता है लोगों के पास पैसे हैं, खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट भी खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट कम है. बिजनेस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस पीपल, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों में इन्वेस्ट लास्ट ईयर किया था, इस बार बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई तो उनको पैसे बहुत मिल रहे हैं. एक्सपोर्ट बेनिफिट ड्यू टू द करेंसी डिप्रिसिएशन, हमारी करेंसी की वैल्यू ही कम होगी इन्फ्लेशन से, तो एक्सपोर्ट हम बेच रहे हैं चीज़ें तो लोग बाकी कंट्रीज में लोग खरीद रहे हैं. इंक्रीजिंग नॉमिनल वेज, ऐसे दिखने में लग रहा है हमारे वेजेस भी इंक्रीज होते हैं. मैंने आपको बताया कि एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में कैसे वेजेस भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये स्पाइरल होता है ना, तो वेजेस होते हैं इंक्रीज, लेकिन वो नॉमिनल वेज होते हैं जो हमें दिखते हैं, रियल नहीं. क्योंकि अगर वेजेस इंक्रीज होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा महंगाई हुई होती है ना, वेजेस इंक्रीज होना ना होना हमारे लिए बराबर होता है, क्योंकि हमें खर्चा बहुत करना पड़ता है. डिसएडवांटेजेस क्या होता है, लोअरिंग परचेजिंग पावर, वही 10 रुपये हमारे पास है जो लास्ट ईयर थे, लेकिन उनमें कम चीज़ें आ रही हैं तो परचेजिंग पावर कम हो गया. जो सैलरी या पेंशनर्स होते हैं ना वो सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने 3 साल पहले ये सैलरी बढ़ा दी होती है, उसी लेवल पे होती है, लेकिन अब इंक्रीज़ हो गया फिर से, तो उनकी सैलरी उतनी है तो वो सफ़र करते हैं. पेंशनर्स का भी पेंशन उतना ही, वो सफ़र कर रहे हैं. इम्पोर्ट्स सफ़र ड्यू टू द डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, हमारी करेंसी की डिप्रिसिएशन हो गई है तो इम्पोर्ट्स भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है. डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा जब वैल्यू ही कम होगा करेंसी का. डिक्रीज इन वेजेस, रियल वेजेस, तो मैंने आपको बताया कि नॉमिनल वेजेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे वेजेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेबर को लगता है कि मेरे वेजेस इंक्रीज़ हो गए, लेकिन जब उसको घर जाके खर्चा बहुत करना पड़ता है ना, जब उसको राइस भी महंगा मिलता है, स्कूल की फ़ी भी इंक्रीज़ होगी, तो रियल वेजेस में जो है डिक्रीज़ होता है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एंड अ राइज इन एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में जो है इंक्रीज़ होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो सेविंग भी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है शॉर्ट टर्म के लिए. एट डिक्लाइन इन कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस में डिक्लाइन आता है, करेंसी डिप्रिसिएशन होती है, रुपी परचेजिंग पावर कम हो जाता है, ठीक है. अब कुछ 2-4 टर्म्स है ये भी देख लो. डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, डिक्रीज इन द रेट, जब प्राइस, जैसे मैंने आपको बोला ना, जनरल प्राइस लेवल राइज हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब अगर वही जनरल प्राइस फॉल होगा, राइज नहीं होगा, फॉल होगा, कम होगा, तो उसको हम डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं. सॉरी, अब डिक्रीज इन द रेट, अगर इन्फ्लेशन अभी 4% बढ़ गई थी, अभी अब 3% है, तो उसको हम डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगी, जब अभी 3% है, अभी 2% आ गई, 2.5 आ गई, 2% आ गई, 1.5% आ गई, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होती है ना, उसको हम डिस इन्फ्लेशन, ध्यान रखना ये आपको गलत होता है, उसको हम डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन है कम हो जाती है. अब डिफ्लेशन किसको हम फिर बोलते हैं, डिफ्लेशन हम बोलते हैं नेगेटिव इन्फ्लेशन और परसिस्टेंट प्राइस लेवल डिक्रीज, जब हमें हमारी इन्फ्लेशन नेगेटिव में हो. फॉर एग्जांपल, अगर हमें 10 रुपये में चिप्स का पैकेट लास्ट ईयर मिल रहा था, आज ये 8 रुपये में ही है, वो हो गई डिफ्लेशन. अगर राइस 20 रुपीज़ में केजी था, आज 15 रुपीज़ में ही है, वो हो गई डिफ्लेशन, जब जनरल प्राइस लेवल फॉल हो गई. ये उल्टा है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या है, डिफ्लेशन, ना कि डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन हो गई जब इन्फ्लेशन की रेट कम हो जाएगी, 3 से 2% आ गया, लेकिन डिफ्लेशन हो गई जब प्राइस लेवल फॉल हो जाती है, पहले ही नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है. महंगाई नहीं होती है, पिछले साल से भी सस्ती होती हैं सारी चीज़ें, उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं. रिफ्लेशन क्या होती है, दिस हैपन्स व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस बिकॉज द इकॉनमी रिकवर्स फ्रॉम रिसेशन. रिफ्लेशन होती है जब इकॉनमी रिकवर होती है रिसेशन से, ठीक है. रिफ्लेशन होती है जब इकॉनमी रिकवर होती है रिसेशन से, और प्राइस लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है.
ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है जब रिसेशन आता है सारा कुछ ठप होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ठप होती है, लेकिन फिर जब थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, उसको हम रिफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन मैंने आपको बोला, व्हेन स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन कोएग्जिस्ट इन द इकॉनमी, स्टैगनेशन लो नेशनल इनकम ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जब इन्फ्लेशन भी होती है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, रिसेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है, तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, मिजरी इंडेक्स क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी रेट इन्फ्लेशन की होगी, कितनी महंगाई होगी और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसको हम मिजरी इंडेक्स बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप हम बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड कब होगी ज़्यादा डिमांड, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, सप्लाई तो वही होती है, तो जब डिमांड ज़्यादा होगी और एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। और डिफ्लेशनरी गैप होता है जब सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, डिमांड कब होगी, जब कम कब होगी, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जब सप्लाई ज़्यादा होती है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो उसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, उस टाइम इन्फ्लेशन नहीं होती है। सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन होती है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ राइज इन ऑफ प्राइस इन दिस। तो जब सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा प्राइस राइज, उसको हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, अ सिचुएशन वायर द प्राइस लेवल राइजेज विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। ओपन इन्फ्लेशन होती है अ सिचुएशन वायर प्राइस लेवल राइज विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन तो हो रही है लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो इसको हम ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू दिया आज आपको इन्फ्लेशन का, इवन इससे भी हम इन डेप्थ और इन डिटेल पढ़ा सकती थी मैं, लेकिन मैंने ओवरऑल एक टॉपिक आपका, अगर कुछ नहीं तो फिर भी 10-20 बातें आपको याद रहेंगी, राइट। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि एक लंबा सा लेक्चर चला आज, और मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम आपको इकोनॉमी पढ़ाया यहाँ पे यूट्यूब पे, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि आपको कितना समझ आया, और क्या आप और कोई टॉपिक चाहते हैं इकॉनमी का मैं आपको पढ़ाऊँ, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, ऑल द कम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंड यस मैं आपको MCQs कराऊँगी अब, क्योंकि आज ये बहुत लंबा चला, तो MCQs अगर मैं कराऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मैं अलग से वो लाऊंगी MCQs ऑन इन्फ्लेशन वाले टॉपिक पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, डू सब शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले, एंड यस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।